स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। देयर इज अ नॉक ऑन द डोर। पोस्ट, डाक। पोस्टमैन, डाकिया। पोस्ट ऑफिस, डाक घर। पोस्ट यानी डाक में डालना, जैसे कि प्लीज पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, मेरा यह कागज जरा डाक डब्बे में डाल देना। पोस्ट का दूसरा अर्थ जगह या अहदा होता है, जैसे कि द पोस्ट ऑफ द मैनेजर इज वेकेंट, मैनेजर की जगह खाली है। नॉक, खटखटाहट, दरवाजा खटखटाने की आवाज। अकर्मक क्रियापद के रूप में भी नॉक का उपयोग होता है, इसलिए इसका अर्थ दरवाजा खटखटाना होता है। Who is knocking at the door? दरवाजा कौन खटखटाता है? There is a knock on the door. दरवाजे पर खटखटाने की आवाज है। कोई आ पहुंचता है तब दरवाजा खटखटाता है। इस पर से पास पहुंचने के लिए नॉक उपयोग होता है, जैसे कि द आर्मी इज नॉकिंग एट द गेट्स ऑफ लाहौर। लाहौर के दरवाजे पर लश्कर आ पहुंचा। Yes, there is a man at the door. Oh, it's the postman. At the door, दरवाजा स्थान दर्शाता है। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। ओपनिंग, खोलते, वर्तमान कृदंत बनाने के लिए प्रत्यय लगता है। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी? एनी, कोई एक। फॉर मी, मेरे लिए। प्रेपोजिशन के रूप में फॉर का उपयोग सीख लेने जैसा है। दिस ऑरेंज इज फॉर यू, यह नारंगी आपके लिए है। इट इज टाइम फॉर गोइंग टू स्कूल, पाठशाला जाने का समय हो गया है। वी आर फाइटिंग फॉर आर कंट्री, हम हमारे देश के लिए लड़ते हैं। फॉर का अर्थ क्योंकि भी होता है, जैसे कि I am running for I am late, मैं दौड़ रहा हूँ क्योंकि मैं देर से हूँ। Watch for यानी किस लिए, जैसे कि
What are you going there for? तुम किस लिए जा रहे हो? इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।